भारतीय किसान यूनियन राष्ट्रीय प्रवक्ता राजेश टिकैत ने भारतीय जनता पार्टी पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने उत्तराखंड में हो रहे उपचुनाव को लेकर भाजपा पर निशाना साधा है। मैंगलोर में उन्होंने भाजपा को किसका विरोधी बताते हुए किसानों से बीजेपी को वोट न देने की अपील की है। बता दें कि राजेश टिकैत रुड़की के मैंगलोर में किसान नेता को श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे थे। राकेश टिकैत ने मंगलौर विधानसभा में चल रहे उपचुनाव को लेकर भाजपा पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि मंगलौर के किसान स्वतंत्र हैं, उन्हें अधिकार वह है वो अपने मत का प्रयोग किसी भी दल के नेता के चुनने के लिए करें, लेकिन उन्हें ये ध्यान रखना है कि केंद्र और प्रदेश सरकार किसानों को विरोधी पार्टी है। राकेश टिकैत ने आगे कहा कि किसानों को ये सोचना होगा कि किस सरकार में सैकड़ों किसान शहीद हुए हैं। किसानों को ऐसी पार्टी से दूर रहना चाहिए और उनके बीच आए हुए कैंडिडेट से ये सवाल जरूर पूछना चाहिए कि किसान उनको मतदान क्यों करे। उन्होंने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि ये सरकार किसानों की जमीनों को अधिकृत करना चाहती है। किसान को एक बार फिर बड़े आंदोलन करने की जरूरत पड़ेगी। ये सरकार केवल किसान विरोधी सरकार है। बता दें कि उत्तराखंड के दो विधानसभा बद्रीनाथ और मंगलौर विधानसभा सीट पर उपचुनाव होने वाला है, जिसके लिए भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी अपनी कमर कस चुकी है। दोनों की पार्टी चुनाव में जीतने के लिए पूरी रणनीति के साथ मैदान में उतर चुकी है। बद्रीनाथ और मंगलौर विधानसभा सीट के लिए आने वाली 10 जुलाई को मतदान होना है। मतदान से पहले सियासी दल समीकरण सेट करने में जुटे हैं। उपचुनाव में बीजेपी और प्रमुख राजनीति दल कांग्रेस की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है।